हर पार्टी को अपना दावा करने का अधिकार है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पार्टी अपना अधिकार रखती है दावा करने की। वो तो 23 का चुनाव रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। जिस प्रकार से प्रदेश पिछले 4.5 वर्षों से परेशान है, समाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस वर्तमान सरकार से खुश है, क्योंकि इसकी नींव ही झगड़े में पड़ी है। एक व्यक्ति कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, दूसरा उसका उसके फेविकोल को उखाड़ना चाहता है, उसमें जनता का कोई हित नहीं हो रहा, सारे काम रुके पड़े। कि कोई चेहरा नहीं हमारा कमल का फूल चेहरा है, और ये निर्णय ना मेरा हो सकता ना और हमारा निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। अभी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं किया है, और मैं लगभग 12 प्रदेशों में प्रभारी रहा हूँ। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ हमने चेहरे के साथ चुनाव लड़ा, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं हमने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा। इसलिए ये निर्णय हमारा, और ये पार्टी एक सिस्टम की पार्टी, ये किसी परिवार के आदेश की, व्यक्ति के आदेश की, या किसी युवराज के आदेश की पार्टी नहीं है। ये पार्टी सिस्टम की है, इसलिए अभी हम चुनावी तैयारी में जुटे। 23 का चुनाव चेहरे पर लड़ा जाएगा या ओम प्रकाश माथुर भी सीएम का चेहरा राजस्थान? मैंने बताया ना, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। यहाँ सीएम का चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। पार्टी के पिछले 5 चुनावों का इतिहास देखेंगे राजस्थान का, तो लगभग 30-40% उम्मीदवार बदलते ही हैं। अब कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा, बहुत समय है, इंतजार करिए नए लोगों का लाना। अगर नए लोग नहीं लाते तो क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती? नए लोग नहीं लाते तो क्या हम लेजिस्लेटिव इतने लंबे बड़े होते सबसे दुनिया में, हम सांसद इतने लाते? इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नई चीज़ों को भर्ती करने का स्वभाव है। लेकिन गुजरात का फॉर्मूला यहाँ लागू होगा, यहाँ का वहाँ होगा, ऐसा हमारे यहाँ। वसुंधरा राजे का भविष्य किस तरीके से देखते हैं? सबका भविष्य उज्जवल है सर। संजीवनी मामले को लेकर शेखावत, जो आपके केंद्रीय मंत्री राजस्थान से आते हैं, उन पर अशोक गहलोत खुद मोर्चा खोले। देखिए दुर्भाग्य, अशोक गहलोत जी बहुत विरोधी पेश जा रहे हैं, वो खुद SOG उनकी है, अगर उनके पास कुछ तथ्य तो करते क्यों नहीं, वो किसने रोका हो? और इसलिए खाली खिंचानी बिल्ली खंबा नोचे उस तरह की बात। SOG ने लिखा नहीं लिखा बाकी लोगों का, उनको गिर दे रहे SOG। SOG का काम अलग है ना, ED सिर्फ अटैच करती है, वही नहीं करी। इसी कारण आगे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा ना, कोई है ही नहीं। वो मुझे अशोक गहलोत